ऐसा बेटा तो शायद करोड़ में कोई एक हो। कम ऑन माय सन। अच्छा अम्मी, अब अगले पिछले गुनाह याद कराने यहाँ बैठ जाओ। भुगत रही हूँ सजा सज्जाद से शादी करने की। आप हर एक का निकाह पढ़ा देते हैं मौलवी साहब, बंदे की छानबीन तो कर लिया करें। देखो भाई, इस्लामी फलसफे में निकाह को आसान कर दिया गया है ताकि इंसान गुनाहों से बचा रहे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, वो औरत जो बच्ची छोड़ कर गई है इसका वजह साहब से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बाकायदा शौक में चला गया कि तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम का शिकार हो और बाप ही नहीं बन सकते। तुम इधर और मैं उधर, सारे हॉस्पिटल में तुम्हें तलाश कर रहा था। मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैं कब से बोले जा रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। अरे 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 अरे, क्यों क्यों नहीं जाओगे स्कूल? स्कूल में मिस रोजाना मुझे सजा देती हैं, बस मैं नहीं जाऊंगा। आगे तुम लोग सब ठीक हो गया ना? मगर बेटा तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खा तो लो। मुझे भूख नहीं है। कहाँ खो गई? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? किधर जाओ? Thank you.
زیادہ شوق میں چلا گیا کہ تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار میں تو باقاعدہ شوق میں چلا گیا کہ تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. میں تو باقاعدہ شوق میں چلا گیا کہ تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. تم بچپن ہی سے اس پرابلم کا شکار اور بات نہیں بن سکتے. دروازہ کھولو بیٹا. جواب تو دو بیٹا. اسد آج جب سے گھر آئے ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی. کیا کیا مطلب؟ آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں کہ اسد کی طبیعت خراب ہے؟ اسد دروازہ کھولو بیٹا. اسد دروازہ کھولو بیٹا. اسد میری جان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں کھولنے کی کوشش کروں. کچھ بھی کرے چیک. عطیہ اسد. اسد اسد بیٹا دروازہ کھولو. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح بیٹا. وہ بیٹا دروازہ تو کھول دو نا. میم واش روم میں تھا. میری جان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میم ابھی تھوڑی دیر میں کھولتا ہوں ماما جی. میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. آج آ رہا ہے. آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ راستے میں بھی اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. مجھے وہ ذہنی طور پر الجھا الجھا لگ رہا تھا. لگتا ہے میرے بیٹے نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا اس بات کا. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے آرام کرنا. ریلیکس ہوگا تو یقیناً ہیل فیل بیٹر. ٹھیک ہے کھانا لاؤں آپ کے لیے. نہیں ابھی بھوک نہیں. میں کل سکول نہیں جاؤں گا.
नहीं जाऊंगा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। प्लीज मुझे हौसला ना दे, ना दे। कल अमित फीस ले आएंगे, मत करे, अमित फीस ले आएंगे। मुझे मत करे, मत करे, मिस, जाओ स्कूल मत करे, अमित फीस ले आएंगे, मत करे, मिस, कोई नहीं आएगा, मत करे, अमित फीस ले आएंगे। जान उठा, कोई नहीं मार रहा, सेंसिटिव है तू, अपने मामा पापा की थोड़ी सी परेशानी नहीं देखी गई तुमसे। अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार कामयाबियां दे मेरी जान। तुम्हारा नाम आसमान पर चांद की तरह रोशन हो। देखो तो इतने से दिनों में कैसी शक्ल उतर गई है तुम्हारी। जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी मैं तो बाकायदा शौक में चला गया कि तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम के शिकार हो और बात ही नहीं बन सकते। सभी कुछ बदल दिया, एक पल में सबको बताया कि तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम के शिकार हो और बात ही नहीं बन सकते, और बात ही नहीं बन सकते। तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम के शिकार हो और बात ही नहीं बन सकते। कुछ बदल, असल में जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी मैं तो बाकायदा शौक में चला गया कि तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम का शिकार हो, इससे इस प्रॉब्लम और बात ही नहीं बन सकते, और बात ही नहीं बन सकते, बात ही नहीं बन सकते। सभी कुछ बदल, और बात ही नहीं बन सकते। असल में जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी मैं तो बाकायदा शौक में चला गया कि तुम बचपन ही से इस प्रॉब्लम का शिकार हो, बात ही नहीं बन सकते, और बात ही नहीं बन सकते। सूरत देखे बगैर नींद नहीं आती, और अब जब तुम परेशान होगी तो मुझे चैन कैसे आए। मैं अभी उसके कमरे से आ रही हूं, सोते हुए भी वो बहुत थका थका सा, बहुत डिस्टर्ब लग रहा था, ऐसे जैसे
किसी शदीद परेशानी में मुब्तला हो वो। अतिया, बताई तो थी सारी तफसील तुम्हें। जब से हॉस्पिटल से बाहर आया बहुत डिस्टर्ब था, मैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला था। बहुत असर ले लिया मेरे बच्चे ने उस बात का। हाँ भाई, असर तो लेगा। एक तो जहन अभी कच्चा है और फिर वो कितनी मोहब्बत करता है हम दोनों से। हमारे डिस्टर्बेंस ने उसे बहुत बड़ा धचका दिया। लेकिन वजह, एक वजह और भी हो सकती है। वो क्या? मैं इसलिए भी कल से बहुत ज्यादा परेशान हूं। एक बात और भी हो सकती है, पता नहीं वो बात आपको कैसी लगे, मगर क्या बात है? मुझे भी तो बताओ। मुझे लगता है कि मैं गली में जा सकता हूँ खेलने के लिए? बेटा, जब तक तुम्हारी अम्मी नहीं आ जाती तुम बाहर नहीं जा सकते। बस गली में रहूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, प्लीज जाने दे नानी। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन देखो इधर ही रहना, ज्यादा दूर मत जाना, ठीक है? बहुत अच्छी नानी हो। वालेकुम अस्सलाम। और भी बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आई एम गुड। आज कैसे चक्कर लगा? बस वैसे ही अंकल। और सुना, कुछ हो गया? नहीं अंकल, आजकल बहुत एहतियात कर रहे हैं, सब कैंप लग गया और फाइनल सिलेक्शन होनी है। अरे कैंप लग गया? जी अंकल, परसों से। बल्कि मैं आज यही पता करने आया था कि असद ही आया कैंप। असद नहीं पहुंचा? वो तो खुद महीनों से इंतजार कर रहा था। And he was very excited about that. जेंकल, उसकी सिलेक्शन तो बनती है, लेकिन अगर वो कैंप पहुंच के रिपोर्ट ही नहीं करेगा तो? आप तो जानते ही कितना कट थ्रोट किस्म का कंपटीशन होता है। ठीक कहते हो। अंकल असर नहीं, क्या कर रहा है? नहीं, घर पे ही, अपने रूम में होगा। चले मैं देखता हूँ, सर मिलकर जाता हूँ। यस, कैंप क्यों नहीं पहुंचा? असद, तू? अबे हाँ मैं यार, क्या कर रहा? दो दिन हो गए कैंप लगे हुए और तू अब तक सो रहा? सो नहीं गया यार,
अरे क्या पी कर लेटा है, कुछ समझ में आ रही है क्या? नहीं उठ उठ तो उठ ना यार। अरे यार मुझे तो लगता है प्लेयर जो हरकतें सिलेक्शन के बाद करते हैं ना, उन्हें अभी से शुरू कर दिया। हेलो भाई क्या बात है, किन हवाओं में उड़ा है? यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे अच्छी तरह जानता है। जानता हूँ तभी तो परेशान है, कब से हम सिलेक्शन का कैंप लगने का इंतजार कर रहे थे और जब अब वक्त आया तो तू गायब है। खैर तो है ना? पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा था। What? क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे मालूम था कि कैंप लग गया और तू फिर भी नहीं आया? हाँ यार कैंप की रेट्स का तो सबको पता ही था। फिर भी नहीं आया तू? सारी मेहनत सारा टैलेंट सब जाया हो जाएगा अगर इस दफा सिलेक्शन ना हुई तो। तो कुछ नहीं होता यार, कुछ होने और कुछ ना भी होने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब फजूल की बात है। खैर तो है, तेरी खोपड़ी तो ठीक है? ठीक होने लगी है तब जिंदगी मुश्किल होने लगी है, पहले मजे से गुजर रही थी। पूछे हुए हैं रास्ते बिखरे हुए